अगर मैं तुरंत के तुरंत नहीं पकड़ती तो मैं आज डिप्रेशन का शिकार हुई और मैं शायद सुसाइड भी कर चुकी होती है, बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आने लग गए थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ प्रियादर्श और मेरे चैनल का नाम है प्रिया सौरभ चौहान। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो हमें हमेशा मस्त ही रहना चाहिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ये मेधावटी, पतंजलि दिव्य फार्मेसी की मेधावटी। ये किन किन काम आती है, कितने रुपए की है, कैसे लेना है, आज हम इस सारी बातों का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करके जाना और वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दिया करो, प्लीज़। मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, आपके एक लाइक करने से हमारी वीडियो सजेस्ट कंटेंट में जाती है और जिनको हमारी वीडियो की ज़रूरत होती है वो वीडियो देख पाते हैं। तो एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं चला जाएगा, प्लीज़ एक लाइक और कमेंट में भले ही नमस्ते लिख दो, हेलो लिख दो, एक दिल वाला कमेंट डाल दो, लेकिन कुछ तो कर दिया करो, ठीक है ना? तो ये कर दिया करो प्लीज़, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल ज्वाइन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, मेंबरशिप हमारी ओपन हो गई है और मुझे सुपर थैंक्स भी भेज सकते हो, ठीक है? चलो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यह है दिव्य फार्मेसी की मेधावटी, इसका प्राइस है 250 रुपये, 120 टैबलेट आपको मिलती हैं, 250 रुपये इसकी प्राइस है। जून 2022 इसकी MFG है और मई 2027 इसकी एक्सपायरी है। काफ़ी अच्छी खांसी आपको इसकी क्या कहते हैं डेट मिल जाती है, शेल्फ लाइफ। पैकेट खोल के दिखाती हूँ, एक पैकेट में कितनी निकलती हैं, 1, 2, 3, 4 निकलती हैं। एक मैंने पूरा यूज़ कर लिया है, इसमें 4 निकलती हैं, ठीक है? दिखने में कुछ इस तरह होते हैं, ये बढ़िया तरीके से पैक्ड होते हैं, सील होते हैं, इस तरह दिखते हैं। और मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, खा रही हूँ तो कुछ कम दिख रही होंगी आपको। एक पत्ते में कितनी गोली होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 गोली इधर, 5 गोली इधर, यानी 6×5=30। एक पत्ते में 30 टैबलेट आपको मिलती हैं। अब इन्हें किस चीज़ के लिए लेते हैं वो बताती हूँ। इंडिकेशन, यूज़फुल इन इंसोमेनिया, डिप्रेशन, माइग्रेन एंड यूज्ड एज ब्रेन टॉनिक एंड मेमोरी इन्हेंसर। क्या ये काम करता है, बस इसी बारे में हम बात करने के लिए वीडियो में आए हैं। तो बात बताती हूँ मैं आपको, इसे लेना कैसे ये बताती हूँ। 1 से 2 गोली दिन में 2 बार लेनी है, डॉक्टर से सलाह से लेनी है, खाली पेट लेनी है, खाना नहीं खाया हुआ होना चाहिए आपको, बस ज़्यादा इंस्ट्रक्शन में लिखी नहीं, ये लिखा है। इसमें है क्या क्या वो बताती हूँ। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, काफ़ी सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो इसमें मिले हैं और कई का एक्सट्रैक्ट है, कई का पाउडर है। अब बात करते हैं इसके एक एक टॉपिक। मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ पहले मैं आपको बताती हूँ। देखो, मेरा बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है जो कि डाउन सिंड्रोम का है, उसको थोड़े से मेंटल इशू हैं मेरे बेटे को। तो मैं पतंजलि में दिखाने के लिए गई थी अपने बेटे के लिए कि शायद वहाँ पे कोई दवाई ऐसी मिले जिससे इसका थोड़ा सा क्या कहते हैं एग्रेशन कम हो, गुस्सा कम हो, ज़िद्दपना कम हो और थोड़ा बिहेवियर सही रहे, थोड़ा इसकी माइंड थोड़ा शार्प हो। मैं इस बेसिकली इस चीज़ के लिए दिखाने गई थी और वो बोल भी नहीं पाता इसलिए भी दिखाने गई थी। तो उन्होंने मेरे को, मैं पर्चा यहाँ पर लगा दूँगी कि क्या दवाइयाँ उन्होंने मुझे सारी दी थी, तो उन सारी दवाइयों में से एक दवाई ये भी दी थी, अभी लिखा है ना इसमें ब्रेन टॉनिक, तो मेमोरी इन्हेंसर, इसलिए उन्होंने एक दवाई मुझे ये भी दी थी। और जब सारी दवाइयाँ उन्होंने मुझे दी थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि 20 गोलियाँ पीस के इस सारी दवाइयों को मिक्स करके चूर्ण बना के और आपको बेटे को रोज़ डेली देना है। मैंने रोज़ डेली दिया है और मुझे अपने बेटे में बहुत ज़्यादा टचवुड फ़र्क लगा है, क्योंकि वो पहले चीज़ें भूल जाता था, अगर हम उसे कुछ सिखाते भी थे तो वो बिल्कुल भूल जाता था, उसे याद नहीं रहता था। पर अब टचवुड उसे हमने लिखना सिखाया है और बहुत सारी चीज़ें कलर्स जान गया है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वो अपनी लेवल तक काफ़ी अच्छा कुछ तरीके से वो सीख गया है टचवुड। अब मैं अपना ही बताती हूँ आपको कि मैं इसे क्यों खा रही हूँ। मैं तो ठीक हूँ पर मैं क्यों खा रही हूँ, तो मैं इसलिए खा रही हूँ, इसमें लिखा है इंसोमेनिया। इंसोमेनिया का मतलब होता है नींद ना आना या डिप्रेशन। अब मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताती हूँ, वो सुन लो पहले, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ मैं ये क्यों खा रही हूँ। तो मेरी डिलीवरी हुई, हम बहुत चिंतित थे कि डिलीवरी हमारी, मेरी डिलीवरी होगी तो बच्चा ठीक होगा नहीं होगा, सेकंड बेबी जब होने वाला था तब, क्योंकि इससे पहले मेरा एक मिसकैरेज हो चुका था,
मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी इस चीज़ को लेके, हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा टेंस थे, पर मैं कुछ ज़्यादा टेंस थी क्योंकि मेरे को टाइफाइड भी हो गया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वो भी मैंने पतंजलि के ही प्रोडक्ट यूज़ करके अपने आप को ठीक किया, डॉक्टर को भी दिखाया पर उनसे ज़्यादा जल्दी इनसे ठीक हुई, वो मैं बताऊँगी फिर किसी और वीडियो में। तो मेरे को टाइफाइड वगैरह भी हुआ था, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी, फिर मैं हम और डिलीवरी के 3 दिन पहले जब हमें पता चल गया था कि मुझे एडमिट होना है सिजेरियन के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि बच्चा कैसा होगा कैसे नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो जैसा मेरा बेटा शिवाया हुआ है वैसा हो। बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, मैं रोती थी बहुत रोती थी, धीरे धीरे करके मैं डिप्रेशन की तरफ जाने लगी थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगने लगा था, मैं सुबह उठना पसंद नहीं करती थी। मुझे उन 3 दिन में इससे भयंकर बुरी तरह मैं डिप्रेस्ड हो गई थी, मेरे बस 9 महीने मैंने आराम से काट लिए, टाइफाइड हुआ वो भी मैंने टाइम अच्छे से काट लिया, टेंशन फिर भी मुझे हुई कि बच्चे के दिमाग पे बुखार ना चढ़ जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। पर लेकिन जब एंड टाइम आया मेरी डिलीवरी का, तो आपके पास एक पहले से स्पेशल चाइल्ड है और आप दूसरी डिलीवरी के लिए जा रहे हो, तो आप समझ सकते हो मेरी स्थिति कि मैं उस वक्त क्या सोच रही होंगी। तो मैं यही चीज़ें मेरे दिमाग में चला करती थी और मेरे हस्बैंड मुझसे बोलते थे कि कुछ मत सोचो, जो होगा अच्छा होगा अच्छा होगा, पर ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली करके देखो ऐसा नहीं होता, जो चीज़ हमारे दिमाग में आ रही होती है वो आके रहती है। तो मैं इतना सोचती थी कि मैं मन ही मन में घुटने लगी थी, बहुत परेशान हो गई थी, और 3 दिन तक मैं वो सोई नहीं। फिर जब मेरा सी सेक्शन हुआ, तो मैं सी सेक्शन के टाइम पे भी डॉक्टर से करी, मैम बच्चा ठीक है बच्चा ठीक है, तो मैम बोली इतनी टेंशन यार स्ट्रेचर पे लेट के कर रही है ऑपरेशन थिएटर में, क्यों टेंशन कर रही है, सब कुछ ठीक है, बीपी बढ़ जाएगा, शांत रहे। बाकी लेडीज़ों को मैंने देखा है कि ऑपरेशन होने के बाद सो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं आराम, लेकिन मैं एकदम ऐसे अलर्ट जगी हुई थी बिल्कुल प्रॉपर, मैं नहीं सोई थी। और ओटी में से होकर आई, जब तक मैंने कहा मैम मेरा बच्चा ठीक है, इसको कुछ घंटे 4-5 घंटों के लिए नर्सरी में रखा गया, और जब नर्सरी में गई तो मुझे यही चिंता लग रही थी कि पता नहीं ठीक है सब ठीक है कि नहीं ठीक है, क्या होगा बच्चे को, कोई दिक्कत तो नहीं होगी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं ऑपरेशन होने के बाद लेटी हूँ, पर मेरे को नींद आँखों में बहुत है पर आ नहीं रही है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर ये मेरे पास शाम को उन्होंने हमें बच्चा दे दिया, उसके बाद हम आ गए अपने रूम में बैठ गए आकर, वो डॉक्टर ने बोला कि बच्चा सब बिल्कुल ठीक है, 3 दिन बाद बच्चे की फिर से जांच करेंगे, फिर आपकी छुट्टी करेंगे। तो जब छुट्टी होने का नंबर आया, 3 दिन बाद उसकी जाँच की, सब कुछ ओके कर दिया, मुझे घर भेज दिया। फिर मैं वहाँ पर बहुत थोड़ा बहुत सो पाती थी, लेकिन ज़्यादा मैं सही से सो नहीं पाती थी उन डिलीवरी के 3 दिन पहले से, और डिलीवरी के बाद तक मेरी नींद बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो गई थी, मैं रोती बहुत थी, मैं बहुत परेशान रहने लगी थी, तो एक तरीके से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। जी हाँ, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, और ये बात मेरे आसपास रहने वाला कोई नहीं जान पाया, सबको ये लगा कि बेफालतू में चिड़चिड़ा रही है, चीख रही है, हस्बैंड तक नहीं समझ पाए कि मुझे क्या हो रहा है। लेकिन मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में एंटर कर चुकी थी, और अगर मैं उस वक्त फ़ोन पे डॉक्टर से बात नहीं करती, पतंजलि के वैद्य से डॉक्टर से बात नहीं करती, तो शायद मैं आज डिप्रेशन में होती और बहुत कुछ मैं अपने साथ, मैं शायद सुसाइड भी कर चुकी होती, सच में मैं सुसाइड भी कर चुकी होती। फिर हम इसको घर लेकर आए, घर लेकर आने के बाद जिस रात हम आए उस रात तो मैं जैसे थोड़ा बहुत सो गई, फिर अगले दिन जब हम उठे हैं उस रात मुझे नींद ही नहीं आई, मैं पूरी रात जगती रही, पूरे दिन जगी, मतलब मैं 48 आवर्स तक जगती रही। आप ये सोचो, डिलीवरी हुई हुई लेडी जिसका सी सेक्शन हुआ है, उसकी बॉडी में इतना पेन है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना पड़ रहा है प्रॉपर हर दो घंटे में, और वो 48 आवर्स से सोई नहीं है, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मैं इतना चिड़चिड़ा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बस कोई नींद की गोली दे दे, मैं खा के सो जाऊं। मैंने मेडिकल वाले स्टोर वाले भैया से बोला, मैंने कहा भैया कोई नींद की दवाई दे दो। उन्होंने मुझसे कहा भाभी आपको नींद की दवाई मैं नहीं दे सकता क्योंकि बच्चा आपका ब्रेस्ट फीड कर रहा है, उसने भी मना कर दिया। अब अगली जो रात आने वाली थी, मैंने शाम को 7 बजे पतंजलि मेगा स्टोर में फ़ोन करा, वहाँ पे डॉक्टर बैठती हैं, उनसे मैंने बोला, मैंने कहा मैम सी सेक्शन हो के आया है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं रो रही थी लिटरली उनसे बात करते टाइम पे, मैंने कहा मैम मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ करिए, मुझे कुछ ऐसी दवाई बताइए जिससे मैं भी सोच के यार मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, जिससे मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। मैं सोने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, मैं भीख मांग रही थी कि मुझे नींद आ जाए,
तो डॉक्टर ने मुझसे बोला ऐसा है, आपको हम दवाई भेज रहे हैं मेधावटी। मैंने कहा मेधावटी? बोले हाँ। मैंने कहा मैडम मेधावटी तो मेरे पास रखी है, आपने मुझे बेटे के लिए दी थी। तो बोले अच्छा, अगर आपके पास मेधावटी रखी है तो आप 2 टैबलेट मेधावटी की खा लो और आराम से शांत माहौल में लेट के सो जाओ। मुझे लगा क्या फ़ायदा करेगा ये, उन्होंने ऐसे बोल दिया है मेधावटी खा लो और खा के सो जाओ। लेकिन नहीं, लिटरली उन्होंने मुझे बोला, मैंने मेधावटी की 2 टैबलेट खाई और मैं जैसे ही लेटी मुझे थोड़ी देर बाद एकदम गहरी नींद आई। और मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू सो जाएगी तो हम तुझे जगाएंगे नहीं, इसे हम पाउडर का डब्बे का सिमिलैक का दूध से दे देंगे बना के बॉटल का, तू सो जा अगर तुझे नींद आ रहा है तो। मैं ऐसा सोई अगले दिन मैं सुबह 1:30 बजे उठी हूँ। इतनी अच्छी नींद मुझे आई इस दवाई से। ऐसा नहीं कि मैं बेहोश हो गई थी, मैं टॉयलेट करने के लिए भी रात में 2-3 बार उठी थी, लेकिन मैं सोई बहुत अच्छी है, मुझे रिलैक्स हुआ। मेरे माइंड में जो थॉट्स आंख बंद करने के बाद आ रहे थे वो आने बंद हो गए, मुझे काफ़ी रिलैक्सिंग लगा और मैं सो गई। अभी भी कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि बच्चे रात को नहीं सोते हैं, बहुत परेशान कर देती है अभी भी, या बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, हस्बैंड काम से देर से आते हैं, नींद मेरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। मुझे पता है कि ये दवाई मेरे इतने काम आने वाली है कि मैं बिना सोचे समझे इसमें से 1 टैबलेट निकालती हूँ या 2 निकालती हूँ और खा लेती हूँ, मुझे उसके 10-15 मिनट बाद अच्छी नींद आ जाती है। अगर आपको नींद की बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आप इसकी तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन मैं फिर भी सलाह दूंगी कि एक बार आप पतंजलि चिकित्सालय में जाकर वहाँ के वैद्य से सलाह लें, प्लीज़ लें। इलाज आयुर्वेद में हर चीज़ का है, हर चीज़ का है। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले एलोपैथी की तरफ मत जाओ, जितना हो सके उतना बचो, और एलोपैथी की तरफ तब जाओ जब आप बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आ गए हो, आपने अपने आप को बिल्कुल बदतर कर लिया है। बदतर तो आपने अपने आप को खुद ही किया है ना। समस्या ख़त्म होने, उस समस्या शुरू होते ही पकड़ लो, उसे एंड तक पहुंचने ही क्यों दो। अगर मैं तुरंत के तुरंत नहीं पकड़ती तो मैं आज डिप्रेशन का शिकार हुई और मैं शायद सुसाइड भी कर चुकी होती, है बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आने लग गए थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस दवाई का ये चमत्कार मैंने आपको बैठे बैठे बताया है। मेरे बेटे में बहुत इम्प्रूवमेंट देखा मैंने, मुझे खुद में नज़र आया। कभी कभी हस्बैंड को क्या कहते हैं, नींद नहीं आती है तो वो भी खा लेते हैं, नींद आ जाती है अच्छी हम लोग को। तो ये नींद में हेल्प करती है, मेमोरी अच्छी करती है, मेमोरी शार्प करती है। तो आप इसकी, मेरी तरफ़ से तो इस दवाई को 100 में से 100 मार्क्स दूंगी मैं। आप इसकी तरफ़ जा सकते हैं, इसे ख़रीद सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे छोटे हैं जिनको मेमोरी की थोड़ी प्रॉब्लम है, याद नहीं कर पाते, चीज़ें भूल जाते हैं, तो आप उन्हें ये दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा 14 साल से ऊपर का होना चाहिए, बाकी उससे नीचे है तो आप डॉक्टर से एक बार सलाह लीजिए। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक तो प्लीज़ कर देना यार। तब तक के लिए बाय, मिलूँगी अगले वीडियो में।